अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। इसी आशा के साथ आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, आपके बजट के हिसाब से अब तक का सबसे सस्ता 1 BHK फ्लैट लेके आया हूं। ओवरव्यू मैं आपको बाद में देने वाला हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पूरे एंड तक देखनी है। हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, क्योंकि जितनी भी जानकारियां मैं आपको देता हूं वो सब वीडियो के माध्यम से आपको मिलनी चाहिए, और आप अगर बीच में स्किप कर दोगे तो वो अधूरी जानकारी आपको मिलती है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इसके बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे बहुत जरूर ही प्रेस करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से जो मैं अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छे अच्छे मकान, जड़से हो या फ्लैट हो, उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना और सुनना है। ओवरव्यू स्टार्ट कर रहा हूं। लगभग 40 गज में बना हुआ आपको ये 1 BHK का फ्लैट। जनरली 1 BHK आपको बैक साइड में मिलते हैं, लेकिन यहां पे आपको जो 1 BHK फ्लैट मिल रहा है वो फ्रंट साइड में मिल रहा है। अगर मैं बाहर जो इसको रोड मिलने वाली है वो लगभग 15 फुट चौड़ी आपको रोड मिल जाती है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो मेन रोड जो है, मेन नजफगढ़ रोड, वो मात्र 400 मीटर की दूरी पे है, और यहां से जो आपका नजदीकी मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है वो है नवादा मेट्रो स्टेशन। उत्तम नगर में जो नवादा मेट्रो स्टेशन है वो मात्र आपका यहां से 600 या हार्डली 700 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। आपको जो ये घर मिलने वाला है ये मेन मटियाला रोड पे पड़ जाता है, भरत गार्डन में। तो और अच्छी तरह से समझेंगे आज सारी चीजें बड़े ध्यान से, क्योंकि 11 लाख रुपए में आपको कहीं भी 1 BHK फ्रंट साइड का नहीं मिल सकता है। तो चलते हैं अपने सफर को स्टार्ट करते हैं यहां से। तो लीजिए, अब हम एंटर कर चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, और अब मैं आ चुका हूं मुख्य द्वार पे। अंदर नहीं आया हूं, बाहर ही होगी, है ना। तो क्योंकि मैं स्टेयरकेस पे हूं, नीचे हमें 2-व्हीलर की पार्किंग मिलती है, और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो मैंने आपको इस बार आप देखोगे जाली लगा के मेटल का पूरा बढ़िया सा फोल्डेबल गेट दे रखा है, पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए। और साथ में आपको मिल जाता है ये वुडन का गेट जो कि आपकी मजबूती को डबल कर देता है। अब मैं आ चुका हूं बिल्कुल अपने लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में। दोस्तों 1 BHK फ्रंट साइड 15 फुट की गली, सारी चीजें पास मात्र 11 लाख रुपए में आपको आपको ये मिलने वाला है। वॉलपेपर देखो इस पर तीनों, कोई बिंदू सी नहीं, तीनों वॉल पे मैंने आपको वॉलपेपर इतना प्यारा सा, कितना सुंदर स्पातल सा चमकदार आपको मिल जाता है। ऊपर POP का पक्का काम करके दे रहा है, कलर कॉन्ट्रास्ट, एक ब्रांडेड फैन, बहुत अच्छा स्मार्ट से लगता है। प्लेसमेंट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, देखो एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आप जो मैं कह रहा था कि मेरी मुहिम है 2022 में, मैंने चाहता हूँ सब मेरे भाई बहन सब लोग जो है अपने घर में आ गए, तो बहुत अच्छा है। जो मेरे भाई 4,000-5,000 रुपए 1 BHK के लिए रेंट देता तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त आशियाना है। इस तरह से आप अपना चाहे सिंगल सोफा यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो, थोड़ा बहुत छोटा वाला एडजस्टेबल आपका जो होता है सेंटर टेबल वो यहाँ आ जाता है, तो बहुत अच्छा लिविंग एरिया बन जाता है। लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने देखो आप 2 BHK में भी आपको इतनी बड़ी किचन नहीं मिलती होगी, पूरी रेंट पर इतनी बड़ी किचन, यहाँ पे सिंक एरिया, वेंटिलेशन प्रॉपर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खिड़की भी है आपके पास और यहाँ पे बालकनी भी है, तो अच्छा ग्रेनाइट का काम हो रखा है। नीचे आपको सारे बड़े बड़े स्टोरेज मिल जाते हैं, ऊपर स्टोरेज मिल जाता है, और ऊपर आपको खाली स्पेस यानी कि खुला खुला किचन का एरिया मिल जाता है, आराम से 2 लोग खड़े होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा किचन था। अब किचन के साथ में आपको बाहर मेरी जो बालकनी है वो आपको दिख जाती है, अच्छा खासा स्पेस निकल के आ जाता है आपके पास यहाँ पे बालकनी का। 15 फीट की चौड़ी रोड है तो वेंटिलेशन प्रॉपर रहती है आपके पास। अब जब मैं इस किचन एरिया से और ये वाला जो हमारा लिविंग एरिया था बिल्कुल इसके साथ में हमारा फिर से देखिए कितना बड़ा, कितना स्पेशियस आपको यहाँ पे वॉशरूम एरिया मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है, सीट लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए भी पाइपिंग छोड़ रखी है, जितने भी टाइल देखो आप पूरा 6-7 फीट तक की हाइट पे मिल जाती है। अभी सैनिटरी फिटिंग जो है सब आपको ब्रांडेड मिली हुई है यहाँ पे। और अब बाहर आते हैं, अब एक चीज मैं दिखाना भूल गया था आपको, दिनेश जी से बोलूंगा सामने वाले वॉल पे काम देखो, यानी कि तीनों वॉल पे आपको वॉलपेपर, फॉल सीलिंग में इसी का कंट्रास्ट से मिलता हुआ वॉलपेपर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने छोटी छोटी स्मार्ट सी टाइलिंग यहाँ पे लगा दी, बहुत अच्छा और ग्रेसफुल लुक देता है। अब मैं जब अंदर आता हूं तो यहां मेरा पहला बेडरूम आ जाता है। अब इस बेडरूम में आप देखेंगे पूरा वॉलपेपर एंड टू एंड आपको लगा के मिल जाता है, बहुत अच्छा 3D लुक में।
और इसी का कंट्रास्ट आप ऊपर देखोगे जो पीओपी का काम करके दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है और ब्रांडेड फ्रंट मिल जाते हैं। काफी अच्छा और स्पेशियस बेडरूम है, आप चाहो आपको बेड इस तरीके से लगा सकते हो अपना, तो आपको ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो खाली मिल जाता है। अगर इस तरीके से लंबाई में लगाते हो जैसा पड़ती है आपको, यानी कि काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है। पत्थर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी टाइलिंग का काम नहीं है, अच्छा उठा पत्थर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत स्मार्ट लुक देता है हमारे जो हमारा बेडरूम है। तो अब बाहर जब मैं निकलता हूँ इससे, फिर से वापस चलते हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे इतना जबरदस्त ड्राइंग रूम का लग रहा है। आप ये देखो ये वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ खड़ा से बोलूंगा सामने आ जाए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ जाएगा नक्शा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी रुक पाया, जैसे ही मुझे पता चला ये फिनिश हो गया है मैं तुरंत बनाने के लिए आ गया, क्योंकि इससे पहले कोई और पसंद करे मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो आप मुझे पता है आप काफी लंबे समय से एक छोटे बजट का 1 BHK प्लान कर रहे थे, तो आज आपकी जो खोज है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% खत्म होने वाली है। तो अब आपने करना क्या है, जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, अपनी विजिट बुक करनी है। आज संडे है, मैं कह रहा हूँ आज संडे है, आज ही आ जाओ, इसको बुक करो और अपने किराए के घर से अपने खुद के मालिक बन जाओ। कहीं नहीं मिलेगा 11 लाख रुपए में 1 BHK फ्रंट साइड का 15 फुट गली, सारे मटियाला रोड जो है मेन मटियाला रोड पे बना हुआ है, नवादा मेट्रो स्टेशन 700 मीटर भी दूरी नहीं है और 400 मीटर यहाँ से मेन नजफगढ़ रोड है। तो फिर से मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी सी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।